आप लोगों ने चाचू का बिजनेस दानिश के हवाले कर दिया। भाई यही बेहतर है, रानी और उसका मियां खुद मिलकर ये बिजनेस चलाएं। और बस ठीक है, जो हमने डिसीजन लिया है वो सही है। बाबा अगर आपके पास वक्त नहीं है बिजनेस को देखने का तो आप मुझसे कह देते, मैं चाचू का बिजनेस देख लूंगा। अपना बिजनेस तो तुम चला नहीं सकते, चाचू का बिजनेस चलाओगे जाकर हैं? दुनिया क्या कहेगी, बड़े भाई ने छोटे भाई का बिजनेस भी कब्जे में ले लिया। ये जानते हुए भी कि वो फैमिली कितनी बड़ी फ्रॉड है, आप लोगों ने वो बिजनेस दानिश को दे दी। माना कि उन लोगों ने झूठ बोला है हमजा, लेकिन उन दोनों की शादी के बाद मजलूम रानिया नहीं है, दानिश है। अपनी आंखों से निहाल देखकर आए उसका हाल, कितनी बदतमीजी की है रानिया ने दानिश के साथ, उसे थप्पड़ मारा, उसकी शर्ट तक फाड़ दी। और जो हाल मैंने रानिया का अपनी आंखों से देखा है, उस बारे में क्या, मेरे सामने वो टॉर्चर करता रहा। हम बहुत दफा सच्चाई जानने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन रानिया बोलती ही नहीं। क्या भाई यहाँ क्या कर रही हो? मेरा घर है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। चलो अंदर, मेरा घर है, जाओ अंदर राइट नाउ। उससे क्या बात कर, तो मारते हो उसे? रोज मारते क्यों भाई? बीवी है मेरी, मेरी मर्जी में जो चाहूं करूं, तू कौन होता पीछे बोलने वाला? हाँ अब मेरे ख्याल में इस बहस को खत्म हो जाना चाहिए, तुम अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट करो बेटा। पापा मैं बहस नहीं कर रहा, आप लोग अच्छी तरह जानते हो उन लोगों के झूठ की वजह से मुझे और रानिया को। देखो बेटा हमें भी अफसोस है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हकीकत को तस्लीम मत करो। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड दैट्स इट। अरे रानिया मेरी बच्ची, क्यों बदतमीजी करती है अपने शोहर से, क्यों नाफरमानी करती है उसकी है? अरे मेरे बच्चे मेरी जान, क्यों मार खाने का शौक है तुझे? क्यों आज तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है हमसे? लो और सुनो, मुझे तो अपने सारे बच्चों से हमदर्दी है भाई, मैं तो नहीं चाहती तुम्हें कोई नुकसान हो। आज तो सुरानिया को मेरी बच्ची को
तुम्हारी फिक्र ना करे, आपकी टांगे तो कब्र में लटक रहे हैं। ना सोचे अपने गुनाहों की माफी मांगने, क्योंकि मौत का फरिश्ता तो किसी भी वक्त आ सकता है ना। तुझे क्या फिक्र है मेरी कब्र की है? तुझे तो मेरी कब्र में नहीं जाना ना। कब्र में तो सबने लेटना है, सबने मरना है। नहीं फिक्र कर, उस कब्र में सांप बिच्छू और पता नहीं क्या क्या हो। आप जैसों की कब्र में तो अजदहे होंगे। तेरे मुंह में खाक, बखत औरत। तेरे साथ क्या होगा तुझे पता है कुछ? शौहर की नाफरमानी करती है। कौन सा शौहर, कैसा शौहर? जालिम लालची, धोखे से शादी करनी मुझसे? कौन सा शौहर? अरे मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आई थी कि अपनी मर्जी से अदालत में ये कह दे कि तू सारी जायदाद खुशी से अपनी मर्जी से मेरे दानिश के नाम कर रही है। उसके बाद तू जहां जी चाहे जाए अपना मुंह काला कर हमारी बला से भाड़ में चलो तुम दोनों। हमारा तो कोई ना कोई ठिकाना बना ही देगा अगला। अपने बारे में सोचे आप लोग, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को जब भी मरेंगे आप? मुझे यकीन है सब मरेंगे आप। क्या मुंह दिखाएंगी उस कब्र में? वहां जब सवाल होंगे ना तो आपकी चालबाजियां नहीं चलेंगी, आपकी चालाकियां काम नहीं आएंगी वहां।